से आजकल सोशल नेटवर्किंग वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म. और तेलुगु में भी हमने वो फिल्म की, इसका नाम है मोगली पुवू, सेम फिल्म दो लैंग्वेजेस में की है. और ऋषि कपूर के साथ एक कॉमेडी फिल्म आने वाली है, उसका इंतज़ार है. प्लस एक हिंदी फिल्म स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट. आई रियली कॉन्ट टॉक अबाउट दैट अंटिल दे अनाउंस. एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शोज. एंड द न्यू ईयर इज कमिंग, एंड एवरी ईयर आई परफॉर्म ऑन अ न्यू ईयर नाइट, एंड दैट्स अ पीक सीजन फॉर ऑल ऑफ अस. आई थिंक आई बिकम वेरी एम्बिशियस, डोंट यू थिंक? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप कॉमेडी, जैसे कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉमेडी से, फिर रामू की फिल्म करियर जो थ्रिल है, और फिर एक कॉमेडी, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है, जो आपका ड्रीम हो, ड्रीम रोल हो या ऐसा कुछ? मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं करण जौहर के साथ काम करना चाहती हूँ. मुझे इम्तियाज़ अली का काम करने का स्टाइल बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट टू इम्तियाज़ अली. इम्तियाज़ अलीज़ माइंड, द वे यू नो ही प्रेजेंट्स हिज हीरोइन, वेदर इट वॉज जब वी मेट और रॉक स्टार, यू नो लाइक और हाईवे, यू नो लाइक अ पहाड़ी कैरेक्टर, पहाड़ी गर्ल, लाइक अ कश्मीरी गर्ल और अ पंजाबी गर्ल. आई थिंक मैं ऐसे रोल्स करना पसंद करूँगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लव टू डू रोल्स लाइक द वे मेरिल स्ट्रीप शी डज. आई रियली लुक अप टू हर. एंड इन अमंग द इंडियन एक्ट्रेसेज आई लव करीना कपूर, एंड आई थिंक आलिया भट्ट इज़ ऑल्सो वेरी, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत ही है, और कांट रियली से ये करना है या वो करना है. कुछ भी अच्छा रोल होगा तो मैं ज़रूर करना पसंद करूँगी. अच्छा, ये तो हुई फिल्मों की बात, कमिंग बैक टू दिवाली, मिठाइयाँ खाना तो सबको बहुत पसंद होती है, ऐसा कभी आपने ट्राई की है बनाने के लिए मिठाई, कोई ऐसी कोई मेमोरी? मैं ना क्लीनलीनेस फ्रीक हूँ, मैं घर की सफाई कर सकती हूँ, किचन में मुझे ज़्यादा जाना पसंद नहीं है. लेकिन मैंने आज तक मिठाई बनाई नहीं है, लेकिन मैं मुझे खानी आती है. अच्छा, कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मुझे वाइट रसगुल्ले पसंद है, रस्से वाले. और मुझे मीठा बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत गंदी बात है, मुझे गुलाब जामुन भी पसंद है, मुझे वाइट रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है, और मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है. तो एनीथिंग विच इज़ स्वीट, आई हैव अ स्वीट टूथ एक्चुअली. और बहुत गलत बात है, मुझे नहीं खाना चाहिए, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री आई एम इन. लेकिन क्या करें, एक बार मैंने 40 रसगुल्ले खा लिए थे एक दिन के अंदर. तो वो एक है मेमोरी, माई मदर वॉज लाइक आफ्टर माई लाइफ, कि कुछ नहीं होना तुम्हारा बेटा, लाइक कुछ नहीं होने वाला है, लाइक जिस इंडस्ट्री में हो 40 रसगुल्ले लाइक एक दिन के अंदर, लाइक एंड लाइक शी इज़ लाइक रियली गेटिंग हैरोड. तो बहुत मैंने टोंटे खाई हैं उस दिन. अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कोई पटाखा है जिसको आप अपने आप से रिलेट कर पाती हो, मैं हूँ ना खुद. लेकिन फुलझड़ी हो या फिर रस्सी हो? किडिंग, मजाक कर रही हूँ. ऐसा कोई पटाखा, कौन सा पटाखा? फूक मार बम? नहीं, रॉकेट इन माई पॉकेट, बेबी कम एंड लॉन्च इट. आई डोंट नो, मैं अपने आप से कंपेयर कर देती हूँ, कोई भी पटाखा होगा खुद ही से कंपेयर कर देती अच्छा, हूँ. ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के खास मौके पर? बस मैं ये बोलूँगी खासतौर पे बच्चों को कि प्लीज़ प्ले सेफ. मालूम है बहुत खुशियाँ होती है, लेकिन ऐसे कई सारे एपिसोड्स और इंसिडेंट्स हो जाते हैं हर साल,